turn the crib into a club, like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Road, everything I touch turn cold. Need no introduction, cause they know Brittany Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kato, who fucking brought up the bottles. I'm going ham. Yes, go ahead. कि मैं और मेरी फैमिली कभी भी लाइट ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं उबर लोकेशन 7825 हाउ द धक्का। सो इट्स 2 o'clock एंड आई हैव माय फर्स्ट मील ऑफ द डे। मैंने रात को 10 बजे खाना खाया था, व्हिच मेक्स इट 16 आवर्स। सो बेसिकली आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग IF, जिसके लिए मैं 16 घंटे फास्ट कर रहा हूँ। मेरे को पीछे आदत ही छूट गई थी बिकॉज गंद खाता था सारा, बट अभी थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा वापस आना चाहिए ट्रैक में। सो दिस इज व्हाट आई हैव कैरीड। आई थिंक दिस इज 100 और 150 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस। अभी कितना टाइम दिखा रहा है? 35 मिनट्स मोर। और अभी मैं निकल रहा हूँ, टाइटल में से दिखी होगा बट अभी मैं निकल रहा हूँ अलीबाग के लिए। माउथ तक का पहुँचेंगे पहले, वहाँ से रोरो की है। रोरो होती है क्रूज शिप टाइप जो होती है ना, जहाँ पर गाड़ी भी जा सकती है। आई थिंक इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स एंड यस वी आर गोइंग टू अलीबाग। बाकी का जो वीडियो वो आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करके बताता हूँ कि क्यों जा रहे हैं। एंड इट्स गोना बी माय फर्स्ट टाइम मैं रोरो में जा रहा हूँ। अलीबाग मेरे को याद है मैं बचपन में गया था, तो उसके बाद आई थिंक अराउंड 10-15 साल बाद मैं जा रहा हूँ अभी अलीबाग। This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning box, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. We gon' turn the crib into a club. I've reached here. Bahut tak ka Roro services, I think 4 ya 4:15 ka timing hai. And abhi 3 baj rahe, to I think I have 30 more minutes. Uske baad se boarding chalu hogi. So Bombay se in total 4 route hai Alibag jane ke liye. First one ye hai, जो ये छोटी सी फेरी है, रेवस करके कोई जगह है, वहाँ उतारता है। रोरो उतारता है मांडवा और एक रूट चलता है CST से, वहाँ की भी जो फेरीज होती है और स्पीड बोट होती है वो उतारती है मांडवा। एंड बोथ मांडवा और इधर से 18 किलोमीटर से कुछ अलीबाग। एक और पॉइंट, अगर आप लोग बाय फेरी ही जाना चाहते हैं सो यू कैन कम डाउन टू दिस प्लेस। ये छोटी फेरीज जो है, एक सेकेंड, ये छोटी फेरी से जा सकते हैं, वरना आप CST से जा सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट रूट बाई शिप। बट अगर आपके पास बाइक है और कार है, अगर ये दो व्हीकल से जा रहे हो तो बाइक के लिए आपको इसी फेरी से जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कार है और बाइक है तो आप रोरो से भी जा सकते हो। रोरो की प्री बुकिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। कार की आता हायर साइड है, कार इज़ समवेयर अराउंड 900 rupees टू आई डोंट नो 1000 or 1500, 900 rupees की कुछ है बेसिक से डान रहेगी तो। एंड बाइक इज़ 200 rupees, सो बाइक इज़ गुड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ वीकेंड गेट अवे विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑन बाइक, इट्स गुड। बैक एंड एरिया ऑफ द शिप और हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ से आ रही है, जो लोग क्लोज कर रहे हैं अभी। दिस लुक्स लाइक द ऑपरेटिंग एरिया, इफ यू कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द कैप्टन ऑफ द शिप। इमेजिन करो आपने अपना फोन ऐसे पकड़ा और पानी में गिर जाए। Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Like a restaurant. The food here is tasty and it's reasonably priced. So, well, samosa vada is expensive, but if you go for a plate of upma sandwich or something, you get for reasonable price like 150-100 bucks or something. We had cold coffee also, so it's like 80 bucks, 100 bucks. It's good.
we've reached. What's up guys, good morning, this is day 2. I think I don't know, video I am in Alibag right now. And this is like a work trip. Chill karne nahi aaye hum log yahan par. And we are staying in this lovely property. It's by Airbnb. Bahut acha living room hai. Kitchen hai, dining hai. Wo mera bedroom hai. Aur upar do rooms hai. And दो रूम्स आर फैंटास्टिक बिकॉज दोनों में बैल्कनीज है, टू वे बैल्कनीज, यहाँ भी यहाँ भी. बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर मैं आपको बैल्कनी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आई थिंक लोग अभी तक सो रहे हैं. तो जस्ट रेडी होके जब निकलेंगे तो मैं आपको बाहर से ये बंगला दिखाता हूँ. ये चेकिंग आउट हम लोग सिर्फ रात के लिए यहाँ रुके थे बिकॉज वी हैव एन अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम. इट्स बाय द वे 5:25. वी केम यस्टरडे, थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए मैंने रात को कुछ वो बोट वाले पार्ट के बाद कुछ ब्लॉक नहीं किया बिकॉज वी वर वेरी लेट. तो फिर उसके बाद काम भी था. सो आई थॉट आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड लेट्स सी हाउ दिस गोस. एट द शूट लोकेशन नाउ वी आर रोलिंग द फर्स्ट शॉट. द कैमरा इज हियर, द एक्टर्स आर हियर. कैमरा दिस टाइम वी आर यूजिंग अ रेड, नॉट एन एलेक्सा. So we are done with the first location. We are going to the second location and the weather seems to be very hot. बहुत humid है यहाँ पर, बहुत गर्मी है. मैं आपको दूसरी वाली location दिखाता हूँ. It's a paddy field. So this is the rice paddy field. And ये पानी इसमें generally भरा रहता है 3 to 4 feet always. The weather is very humid because sun is right there on top. तो इन टोटल 4 घंटे लग गए घर पहुंचने के लिए, बट नेवरदलेस फाइनली होम. तो ये एक छोटा सा ट्रिप था अलीबाग का. इट वाज अ वर्क ट्रिप. नॉर्मली अलीबाग कोई काम से नहीं जाता है, बट इट वाज अ वर्क ट्रिप एंड इट वाज अ 2 डे शॉर्ट ट्रिप. काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सही था. नेक्स्ट टाइम जब मैं अलीबाग जाऊँ आया हूँ, मैं वर्क ट्रिप नहीं, मैं थोड़ा घूमने के हिसाब से अलीबाग जाऊँ. यही प्रॉब्लम था अलीबाग में, आई थिंक कनेक्टिविटी इशू. वहाँ पर नेटवर्क्स नहीं आते, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, काफ़ी लोग वहाँ पर सिर्फ मस्ती मजाक करने जाते हैं, कोई काम से नहीं जाता. एनीवे सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो लाइक शेयर कमेंट ये अच्छी चीज़ें कर देना. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वरना मत जाना प्लीज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.